का जब मैंने इस बात का मैंने विरोध भी किया था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है, उस वक्त साथ ही में मैंने इस बात को भी कहा था कि मजबूती से सरकार के समक्ष मेरे प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैं इस बात को रखने का काम करूँ। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। विपक्ष आज की तारीख में इसको लेकर हो हंगामा खड़ा करने का कार्य कर रहा है। ये प्रेसिडेंट भी विपक्ष की सरकारों के दौरान ही खड़े किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने कई ऐसी नियुक्तियां की हैं। ये वही विपक्ष है जिसने समय समय पर अपने समय पर डायरेक्ट ये भर्तियां करने का कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसका उदाहरण है, मोंटेक सिंह आहलूवालिया जी उसका उदाहरण है, कई ऐसे नाम हैं जो इसके उदाहरण रहे हैं। यूपीएससी चेयरमैन को लिखे पत्र पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जैसे ही लेटरल एंट्री का मुद्दा हमारे संज्ञान में आया, मैं विभिन्न विभागों के साथ चर्चा कर रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री के सामने भी अपनी बात रखी। कांग्रेस सरकारों और संगठन में बनी विपक्षी सरकारों ने पहले भी लेटरल एंट्री की है। विपक्ष ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि यह पहली बार शुरू किया जा रहा है। आज लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। मैं और LJP इसके लिए PM मोदी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने फिर से समाज का विश्वास जीता है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगे क्या कुछ कहा, देखे वीडियो। जहाँ एक तरफ मैंने अपनी आपत्ति को दर्ज कराया था, वहीं दूसरी तरफ ये विश्वास भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जताया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मजबूती से समाज के हर वर्ग का ध्यान देने की दिशा में अगर आज की तारीख में कोई एक नेता कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही। ऐसे में कल जब मैंने इस बात का मैंने विरोध भी किया था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है, उस वक्त साथ ही में मैंने इस बात को भी कहा था कि मजबूती से सरकार के समक्ष मेरे प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैं इस बात को रखने का काम करूंगा। सरकार का अंग हूं, कई ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक तौर पर कहने में मैं सामर्थ्य नहीं हूं। सरकार का अंग होने के नाते सरकार का संरक्षण करने की भी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। पर हाँ, कई ऐसे विषय हैं जहाँ पर असहमति होती है, पर असहमति को दर्ज कराने के लिए भी सरकार के भीतर मुझे एक मंच मुहैया कराया गया है जहाँ पर अक्सर ऐसे विषयों को प्रमुखता से मैं रखने का काम करता हूँ। जैसे ही ये लेटरल एंट्री वाला मामला हम लोग के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय मेरे संपर्क में रहा। उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा करने का उन्होंने काम किया। समय समय पर जो दस्तावेज भी उनको मुहैया कराने की जरूरत पड़ी, पिछले 1.5-2 दिन में मैंने उनको तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में भी मैंने भेजने का काम किया। इस विश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री जी जब इस विषय की गंभीरता को समझेंगे और वो समझेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती हो किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के
नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है हमेशा से। विपक्ष जो आज की तारीख में इसको लेकर हो हंगामा खड़ा करने का कार्य कर रहा है, ये प्रेसिडेंस भी विपक्ष की सरकारों के दौरान ही खड़े किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने कई ऐसी नियुक्तियां की हैं। भले आवाज वैसे भी आई रही होगी, भले वो कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस के नेतृत्व में अलग अलग समय में बनी गठबंधन की सरकारें हो, इससे पूर्ण भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां पे लेटरल नियुक्तियां की गई हैं, जिसके तहत डायरेक्ट उन पदों पर बिना आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखे हुए नियुक्तियां कराई गई हैं। और आज जब हमारी सरकार के द्वारा इस तरीके का विज्ञापन आया तो विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले हुआ इसलिए ये हो रहा है, सही है, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ भी अपनी बातों को रखा। पर जो विपक्ष एकदम हमदर्द बनने का प्रयास कर रहा था, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों का हिमायती बनने का प्रयास कर रहा था, ये वही विपक्ष है जिसने समय समय पर अपने समय पर डायरेक्ट ये भर्तियां करने का कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसका उदाहरण है, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी उसका उदाहरण है, कई ऐसे नाम हैं जो इसके उदाहरण रहे हैं। पर बहरहाल हम लोगों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि अगर इतिहास में हुआ है इसीलिए हमारी सरकार भी इसको इसी तरीके से लागू कर दे, ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन सरकार का ऐसी नियुक्तियों के बाद समाज के बीच जाएगा। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती हूँ और मैं समाज की तरफ से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की तरफ से भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बड़े वर्ग की चिंता को सम्मान देने का काम किया और जो ये नियुक्ति निकाली थी उसको रद्द करके पुनः उन्होंने इस समाज का विश्वास जीतने का काम किया। ये पत्र थोड़ी देर में आप सबके साथ मैं साझा भी कर दूंगा। इस पत्र के माध्यम से यूपीएससी चेयरमैन को ये निर्देशित किया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि एमओएस है पीएमओ के, उनके द्वारा ये निर्देशित किया जाता है चेयरमैन यूपीएससी को। और इसमें कहा जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट निकाला है वो प्रधानमंत्री जी के, दिस एस्पेक्ट नीड्स टू बी रिव्यूड एंड रिफॉर्म्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स फोकस ऑन एश्योरिंग सोशल जस्टिस, हेंस आई अर्ज द यूपीएससी टू कैंसल द एडवर्टीजमेंट फॉर द लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट इश्यूड ऑन 17th 8th 2024।